मेरे भगवान सरो, मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और समस्त गौशाला की कमेटी, मैं तो आप सबसे बताना चाहूंगा कि एमपी साहब पता नहीं आ कैसे गए। आज तो इलाहाबाद की टिकट पटनी थी, फिर तो यह लगा कि आपका प्यार हूँ, फिर मैं आगे एमपी साहब का कोई प्रोग्राम भी नहीं था। और एमपी साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी छोड़ गए इस गौशाला में आए। मैं इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी बड़ी मीटिंग इलाहाबाद की टिकट पटनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा आज इलाहाबाद की टिकट का फैसला हुआ है, उसको भी छोड़ गए एमपी साहब मीटिंग में जा रहे हैं। और मैं एमपी साहब से कहना चाहूंगा, एमपी साहब एक मिनट में आपको फ्री करेंगे, आप कैसे आए। जय गौ माता की। हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई इंदुराज नरवार जी जो विधायक है बड़ौदा से, और हमारे गौशालों के प्रधान, वे सभी, क्योंकि टाइम की बचत करना चाहते हैं, सभी बुद्धिजीवी जो यहाँ पहुंचे हैं और सभी गौभर, आज लंबी चौड़ी राजनीतिक बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं तो धन्यवाद करता हूँ एमपी साहब का, क्या प्रयास की वजह से आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। क्योंकि आप सबको पता है, पेपर के माध्यम से पता लग गया होगा कि आज एक जरूरी मीटिंग है 2 बजे और उसमें एमपी साहब ने पहुंचना जरूरी है, लेकिन आपके साथ लगाव इतना है कि उस मीटिंग का टाइम को देखते हुए आपके बीच में पहुंचे हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इनका आभार प्रकट करता हूं एमपी साहब का, जो इतना कीमती समय दिया। इसके साथ ही मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता क्योंकि गौशाला में मैंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि जब तक विधायक रहूंगा 1,11,000 रुपये देते रहेंगे। और एमपी साहब से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी गौशाला में ज्यादा से ज्यादा सहयोग की बात करें, वैसे पहले भी की है, उसका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। राम राम जी सबको, राम राम, राम राम जी, राम राम। हमारे बीच में हमारे हल्का विधायक, हमारे बहुत ही सम्मानित जयवीर जी, हमारे बड़ौदा हल्का विधायक, हमारे बहुत ही हमारे संघर्षशील भाई फालू जी, हमारे टीकाराम संस्था जाट संस्था के प्रधान सोनीपत जिले के, हमारे भाई सुरेंद्र दैया जी, हमारे भाई ब्लॉक प्रधान जोगिंदर दैया जी, हमारे पूर्व चेयरमैन ब्लॉक के रमेश दैया जी, हमारे गौशाला के प्रधान महावीर सिंह जी, शमशेर दैया जी, हमारे भाई चांद पहलवान जी, मुकेश वाल्मीकि जी, कुलदीप दैया जी, आनंद दैया जी, मोनू जी जो हमारे सोनीपत से जो हमारे विधायक हैं, हमारे सुरेंद्र पवार जी उनके सुपुत्र हैं, और जिले के यूथ कांग्रेस के हमारे दोनों प्रधान, ग्रामीण के भी और शहरी के भी, और हमारे महासचिव प्रदेश के, और सारे जो ये नए नए अभी क्योंकि इलेक्शन हुआ था, इनका नाम देना बहुत जरूरी था। हाँ, जरूरी थी, थी। हमारे इंस्पेक्टर भी है आगे खुल गई ना, ये भी कहना पड़ेगा ना, तो कान का पर्दा पातन नहीं हो रहा है पाचन। तो हमारे ईश्वर सिंह जी, हमारे आदरणीय, एक बार ये भाई ये जो जो फोटो ले रहे हैं, 2 मिनट बाद आप, क्योंकि ज्यादा लंबे कोई भाषण या उसकी बात नहीं है। बीच में भाई अनूप जी, भाई जसमेर जी, भाई हमारे गोपाल जी, भाई परमेंद्र जी, बहुत से हमारे साथी, भाई कृष्ण जी, बहुत साथी हमारे जो, क्योंकि सब कई पार्षद भी हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि समय का बहुत ही सीमाएं हैं। आज 2 बजे कोई एक बहुत जरूरी मीटिंग है हमारी, क्योंकि उपचुनाव एक डिक्लेयर हुआ, उसकी टिकट वितरण की मीटिंग है, तो 2 बजे से पहले जो है दिल्ली पहुंचना बड़ा जरूरी है मीटिंग में। तो आज जो है
तो आपसे इस बात के लिए, क्योंकि जब कमेटी मिली थी तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, तो बीच में बात हुई जब कमेटी से मैंने बात करी कि जी ऐसी ऐसी मीटिंग आ गई, तो हाँ हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे साथी विजेंद्र आंतिल जी जो आज हमारे साथ हैं, उनका नाम रह गया था, तो वो क्योंकि कई जो है भीड़ में और सारे में किसी को नहीं दिखा होगा, और भी कोई अगर ऐसा कोई हो तो आप, नहीं नहीं काली मारने की बात नहीं, कोई और भी बात हो मेरे को बीच में आप बता देना, मैं कोई मेरे को टोक देना, मैं नाम ले दूंगा किसी का नाम रह गया होगा तो, ताकि कोई कृष्ण ठेकेदार जी और भी कोई बात हो, भानु जी, भानु प्रधान, रमेश, रविंदर, बहुत अपना ये बोलूँ अपना फरमानिया, तो बहुत आदमी जो है ना इसमें, क्योंकि सारा मैं लगभग सबको जानता हूँ, सारा अपना इलाका है, सारा अपना परिवार है, फिर भी किसी को ये हो कि भाई नाम नहीं लिया गया तो भाई बाद में राजेश बैठे तो बहुत बैठे हैं, मैं तो लगभग जो बैठे भी हैं जो खड़े भी हैं, या जो बूढ़ा मुँह कर रहा है तो इसका नाम नहीं लिया था, तो भाई देखो सारा अपना इलाका है, बहुत से आसपास का गांव गुआंड सारा, तो भाई किसे क्या अगर यूँ हो कि भाई उलाना में बाद में तो मेरे जाते हो उलाना दे मेरा नाम नहीं लेगा, तो पंचायती बात है, मेरे को अभी बता दो मैं तारा नाम अभी ले दूंगा भाई किसे का रहेगा, तो नहीं तो भाई थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं सबसे थोड़ा सा है, हाँ ले दिया मैंने, मैंने ACP साहब का नाम ले दिया, क्योंकि ये गौशाला के प्रधान के रूप में इनका नाम लिया था, ACP नहीं के का नहीं है, अब इनका गौशाला के प्रधान के रूप में इनका नाम है, तो मैं सबसे पहले अपने गांव को और गौशाला को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपने गांव में सार्वजनिक प्रोग्राम मैं समझता हूं कि क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम का ये मौका मिला है गांव में, क्योंकि जो अप्रैल मई में जो दूसरी लहर आई उसके बाद कोई सार्वजनिक प्रोग्राम गांव में मेरा नहीं हो पाया था, तो माड़ा बखत था, पूरे दुनिया के देश के आगे एक माड़ा बखत था निकल गया, आज हम यही गौशाला के इस पावन प्रांगण में सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ये इस तरह का माड़ा बखत कभी दुनिया के आगे हमारे देश के आगे हमारे इलाके में ना आए, और आने वाला समय ढेरों खुशियों भरा समय हो, सबके लिए खुशहाली लेके आए, ऐसे ही हम सारे आज मिलके सबसे पहले गौ माता के इस पावन जो है प्रांगण में भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम भगवान से इस मौके पे ये भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गौ माता के प्रांगण में कि इस जो सरकार है दिल्ली की सरकार उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज हम यहाँ पे गौशाला के कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो है वो खुशी जो दिखाई दे रही है वो हमारे दिल में नहीं, क्योंकि हमारा दिल और आत्मा किसान के साथ है, जो किसान लगभग एक साल से जो धरनों पे बैठा है, जिन धरनों में लाखों करोड़ों लाखों की संख्या में किसानों ने अलग अलग प्रोग्रामों में पूरे देश में हिस्सा लिया, एक ऐसा आंदोलन जो दुनिया ने और देश के इतिहास में शायद ऐसा आंदोलन दूसरा नहीं हुआ हो, जिस आंदोलन से 600 शव इन धरनों से अपने अपने गांवों में वापस आ चुके हैं, इतना बड़ा आंदोलन कि 600 शव वापस आ चुके हैं इन धरनों से, लेकिन फिर भी देश की सरकार ने जो है किसान की सुध ना ली हो, अपने घमंड में सरकार जो है यूं की टस की मस ना हुई हो, और घमंड में किसानों की मांग केवल मानने से मना नहीं किया, किसान को इंसान मानने से भी इन्होंने मना किया कि आज तक किसी एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री के जो है मुँह से ये शब्द नहीं निकले कि भाई हम मांग तो नहीं मानते, लेकिन ये 600 लोगों के धरनों पे जो है अपनी जान चली गई, हमें दुख है इस बात का, हम इसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, ये भी इस देश के नागरिक को। खैर मैं उस बारे में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि मुझसे ज़्यादा उस दर्द को आप महसूस करते हैं, लेकिन आज इस प्रांगण से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और किसान की सुने, ये जो है किसान इस देश का नागरिक है, इस किसान की बात सुनी जाए, और इस जो है किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों कानूनों को वापस लेते हुए किसान को वापस लौटने का रास्ता मिले, तो आज ये भी हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं। बाकी आपको पता है हरियाणा प्रदेश में जो ये सरकार है इसको 7 साल हो गए और केंद्र सरकार को 7.5-8 साल हो गए, आपने इनका कार्यकाल देखा है, कार्यशैली देखी है, आज प्रदेश हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश एक समय में 2014 से पहले देश में सबसे आगे के प्रदेशों में गिनती होती थी विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में,
आज साढ़े सात आठ साल के बाद इनकी सरकार कार्यशैली के बाद वही प्रदेश हरियाणा प्रदेश की गिनती बेरोजगारी में देश में नंबर एक पर हो रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज़्यादा अपराध दर भारत सरकार के अनुसार सबसे ज़्यादा अपराध दर हरियाणा के अंदर, और जिस तरीके से एक भाईचारे के साथ खुशहाली की तरफ हरियाणा बढ़ रहा था, आपसी भाईचारा खुशहाली का एक प्रतीक हरियाणा बन चुका था, आज इस सरकार ने इन 7.5-8 साल में कितना नुकसान पहुंचाया इस प्रदेश को। आज प्रदेश के कोने कोने में लोग उस बात का मन से उस बात की का एहसास करते हैं। स्थिति ये कि सरकार जैसे कोरोना में लोग क्वारंटाइन हो गए घर में, सरकार भी क्वारंटाइन हुए चंडीगढ़ अपने घर में बैठी है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो लोगों की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ता है। आज जो उप मुख्यमंत्री उनका झज्जर का कार्यक्रम है तो बहुत बड़ा वहाँ पे अभी इस समय प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पे वह पानी की बौछारें और इस तरह की बातें वहाँ के जो है दृश्य में देख रहा था अभी रस्ते में। तो ये स्थिति क्यों आई, इतना अविश्वास लोगों में इस बात पे जो सरकार में चंडीगढ़ में लोग बैठे हैं उनको इस बात की सोच में मंथन करना चाहिए। पटरी से उतार दिया प्रदेश को। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पटरी से ऐसा कोई नया काम तो इन्होंने किया नहीं, मगर जो पुराने अपने टाइम के मंजूरशुदा काम थे उन कामों को भी पूरा कराने का इन्होंने, जिसमें सोनीपत में ट्रिपल आईटी आनी थी, आज वो ट्रिपल आईटी का अभी तक पता नहीं कब तक आएगी नहीं आएगी। रेल कोच फैक्ट्री लाट जो जोली में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी 2-3 हज़ार एकड़ में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना था, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आना था, अगर एयरपोर्ट एक अपने स्तर आता जैसे गुड़गांव में के नज़दीक एयरपोर्ट आया तो पूरा गुड़गांव विकसित हुआ, यहाँ पे एयरपोर्ट आता तो ये पूरे इलाके को रोजगार के अवसर मिलते, रेल कोच फैक्ट्री से अवसर मिलते। जो अपनी आईएमटी बनी खरखोदा के अंदर, इसमें मारुति आनी थी, आते आते हमारे समय बात होती थी मारुति से जब हुड्डा सरकार थी, इसमें मारुति आनी थी, बहुत बड़ी मारुति आती हमारे पूरे इलाके को, कितना उसमें आने वाली पीढ़ी का आने हमारे जो भविष्य है उसको कितना सहारा मिलता है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो अब 7.5-8 साल के बाद भी बात होती है, बीच में थोड़ा सा कभी काम हो जाता है, लेकिन आज तक कोई उस पर उसकी तरफ भी कोई ठोस कदम उठाने का काम नहीं हुआ। मैं इसीलिए ये बातें आपके बीच में कह रहा हूँ क्योंकि पूरे हमारा जो इलाका है, ये जो गौशाला है, इस गौशाला में मैं चेहरे देख रहा हूँ, यहाँ पे कई बहादुरगढ़ हल्के के, कलोई हल्के के, यह जो है गोहाना हल्के के, केवल खरखोदा हल्के के नहीं, मेन आदमी यहाँ दिख रहे हैं। तो आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो हमारी नई पीढ़ी में जो है ये जागृति लाने की ज़रूरत है कि भाई ये मौका है। पूरा प्रदेश में मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर लोग इस सरकार से त्रस्त हो गए हैं और हुड्डा साहब की तरफ और आपकी तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। ये मौका है अपनी अगली पीढ़ी में आप ये जो जागृति लाने का काम, सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ, ये मैं आग्रह करता हूँ आपका कि ये मौका है, ये मौका अपने चूकना नहीं है। 2 बार इनकी सरकार आपने देख ली, मैं आपसे पूछता हूँ भाई जो है ये जो लड़ाई है हरियाणा में बदलाव की, ये लड़ाई अगर आपका सबका आशीर्वाद हो और छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद हो, क्योंकि ये जो हमारा भविष्य छत्तीस बिरादरी का आगे जुड़ा हुआ है, अच्छा भविष्य होगा, ये रेल कोच फैक्ट्री आएगी, कोई मारुति आएगी, कोई एयरपोर्ट बनेंगे, कोई मेट्रो आएगी, तो छत्तीस बिरादरी के आने वाले भविष्य को संवारने का वो काम होगा इस इलाके का, पूरे हरियाणा का। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी बैठी है गौशाला कार्यक्रम, आपका आशीर्वाद हो तो हरियाणा में जो बदलाव की लड़ाई में जो है इस लड़ाई में आर पार की लड़ाई की तरफ कदम बढ़ाएं, अगर आपका आशीर्वाद हो, एक बार हाथ उठा के आप सारे इलाके से मेरा सारा इलाका है बंदर उठो, वो बंदर उठो। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका और हमारे इस इलाके का और छत्तीस बिरादरी का आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। पूरे हरियाणा में मैं घूम के आ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा आने वाले समय में आपकी सरकार लेके आएगा, ये मैं। और भाई गौशाला की तरफ से जो ये बात सही बात है, ये बात भी गौशाला की कमेटी को भी पता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हर गौशाला में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एक सामूहिक है, हर गौशाला में 5 लाख की ग्रांट मैंने पूरे अपने इलाके में, चाहे वो पहले अपने गौशाला में सरकार तो बात दूसरी थी, अब विपक्ष की बात है। लेकिन तो विपक्ष में देखो सरकार के टाइम तो और भी ज़्यादा देते थे, तो कोई छूट मतलब सबसे ज़्यादा उस समय खटवाली और सिसाड़े गौशाला में आए जब सरकार थी, लेकिन विपक्ष में
भाई एमपी कोटा ही बचता है, एमपी कोटे से 5-5 लाख मैंने जहाँ भी दिए जा सकते हैं वहाँ पे दिए देने का मैंने प्रयास किया है और सब जगह बराबर करने का ही हक बनता है। लेकिन एक बात जरूर है जो ये बात आई कि भाई इस बार मैं एक बात समझता हूँ कि भाई कोई सत्ता पक्ष के क्योंकि किसी व्यक्ति को आज जो है निमंत्रण आप लोगों की तरफ से नहीं गया क्योंकि जो परिस्थिति है उन परिस्थिति में भाजपा जजपा के किसी तो ये मेरे को गौशाला कमेटी ने ये बात बताई है। दूसरी बात ये भी मैं समझता हूँ कि भाई जो है ये पिछले साल कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाया था तो ये 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ। तीसरी बात मैं ये भी समझता हूँ कि भाई पहले मेरा कोटा जो था वो लोकसभा कोटा था, रोहतक लोकसभा में लगता था और शादीलाल बत्रा जी के कोटे से मैंने दिलवाए थे। लेकिन मेरा कभी कान का पर्दा फाड़ोगे भाई ना, तो वो शादीलाल बत्रा जी जो दूसरे राज्यसभा के सांसद थे उनके कोटे से दिलवाए। मगर अब राज्यसभा में चलो लोकसभा में तो वो आपका भी है, मैं आपका भी जोड़ूंगा क्योंकि लोकसभा में तो आपने देखा लोकसभा में किस तरीके से शाम दाम दंड का प्रयोग मेरे खिलाफ हुआ लोकसभा इलेक्शन में और जो आपके सामने ज्यादा मैं नहीं कह, उसके बाद आपने विधायक जिताए इसीलिए आपका जोड़ रहे हैं। यहाँ इनकी वोट से एमएलओ की वोट से भाई जो है हाँ ये दो एमएलए आ रहे हैं, इनकी वोट पड़ी, एमएलओ की वोट पड़ी और हरियाणा में आज भाई 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं मगर एक आपके भांजे को भी जो है एमएलओ की वोट से वहां भी जाने का विपक्ष में कम से कम ऐसा नहीं तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हुआ था अगर उसमें भी हूँ और वो 31 पे ही बनना था एक आधी भी सीट कम हो जाती तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट था कि 15 के 15 बीजेपी के ही पाते, आज 14 बीजेपी के हैं सांसद जबकि हकीकत क्या है वो आपको पता है। तो राज्यसभा के कोटा मिलने के बाद मैं पूरी स्टेट में दे सकता हूँ पहली बार भाई, क्योंकि मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये भालू लिखा हुआ है, ये जितने मैं दूंगा कहूँगा ये कहेगा जी मुरलाना में भी उतने दो या बाकी गौशाला, देखो हर जगह 5-5 दिए मैंने भालू। लेकिन मेरा एक ये मेरी मजबूरी आप समझे भालू कि भाई मेरा कोटा पहली बार प्रदेश का हुआ है और कोटा राज्यसभा में जाने के बाद मैं भाई अपने मामा गांव में पहली बार आया हूँ, मैं 11 लाख की ग्रांट यहाँ पे देने आया हूँ। कि भाई आप ये मान लेना पिछले साल भी आना था मुझे कोरोना था तो आप इसमें कोई मेरे लिए क्योंकि सारी गौशाला बराबर है भाई मगर जो है ये इसमें देखो एमएलओ का कोटा तो होता नहीं मगर ये इसी इसमें भाई इन दोनों का भी एमएलओ का यूं मान लेना भाई जो है ना ठीक। तो भाई तो इन्हीं शब्दों के साथ तो इन्हीं बाकी इनका भाई अगर इनका एमएलओ का कह रहे हैं भाई एमएलओ कह रहे हैं भाई मैं अपना इनका अलग होगा मगर ये अपने करेंगे मगर मेरे से कह रहे हैं तो भाई मैं 1 लाख अपने कोटे से एमएलओ के नाम का और बढ़ा देता हूँ। 11 मेरे आएंगे 1 लाख मिले 12 11 11 का चेक न्यारा दूंगा, दो चेक दोनों मेरे दस्तखत आएंगे भाई मगर वो न्यारा चेक इसलिए दूंगा कि भाई ये बात इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पूरे अपने गांव को अपने पूरे इलाके को नस्तमगत मस्तक होके कि भाई बड़ा माड़ा भगत आपने देखा दोनों तरह से कुदरत की भी मार आई और सरकार की मार भी हमारे चल रही है लेकिन हम सारे मिलके प्रयास करेंगे। समय भी बदलेगा, बदल रहा है, लोगों का मन भी बदल रहे हैं, आने वाला समय आपका होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम जी की और जय ससाना गांव की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।